अपन पहली मैच जिंक लो रे, कॉन्ग्रेट्स मंडली। एंड इस जीत में बहुत बड़ा योगदान रहा है रोहित का। रोहित, आप एक सुपर सब की भूमिका में आए और क्या खूब आपने वो भूमिका निभाई। कितना खुश है आप अपनी परफॉर्मेंस से? आज ही खुश तो है क्योंकि पहली जीत भी थी और जीत में मेरा योगदान रहा, इसमें सभी खुश है और मैं तो हूँ ही जी खुश। जैसे सब्स्टिट्यूट किया उसमें और मैं टीम के काम आया तो खुश तो है जी। और जब आप आए तब टीम में ठहराव की बहुत जरूरत थी, तो उस समय रणनीति क्या थी, क्या बातचीत हो रही थी कोच से? जी, मैच से पहले कैप्टन ने हमारे सुनील भाई साहब ने और कोच साहब ने बोल दिया था कि भाई मैच में रेडी रहना, कभी भीतर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। और वो थे माइंड में था जी टीम के लिए कुछ करना है जैसे ही मौका मिलेगा तो। और आपने मौके पे चौका भी मारा क्योंकि आप जब गए आपने डू और डाई रेड भी जीती और आपने गुमान पे टैकल भी किया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैच इधर का उधर हो सकता था। हाँ जी बिल्कुल, वो थर्ड रेड थी और उसके बाद फिर थर्ड रेड आई पांच में, सेकंड या थर्ड रेड थी वो भी, उसमें भी स्कोर लाना बहुत जरूरी था, नहीं तो इस तरफ से सिक्स में पॉइंट चला जाता। और फिर गुमान के साथ में पाँच छः साल से साथ रहते हैं हम, तो उसका मुझे पता था इसलिए उसके डिफेंस में कैच मारने में कामयाब रहा। तो वो ही रणनीति थी कि आपको पता था कि उनका गेम कैसा है, तो आपने उस चीज का फायदा उठाया। हाँ जी, नीरज भाई साहब के साथ भी मैं पिछले साल पटना पायलट्स में था जब भाई साहब के साथ रहते थे, और गुमान के साथ तो मैं हूँ जी 2017 से हम साथ रहते हैं, गाँव से है एक से। चलिए मजा आ गया, गुजरात जायंट के सामने आपकी एक जायंट परफॉर्मेंस देखने मिली। सीजन की पहली जीत मुबारक हो। थैंक यू मैडम।